हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सेना से आज एक ऐसी खबर आई जिसे आप सुनेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी निकिता कौल आज आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गई। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने खुद निकिता की वर्दी पर स्टार लगाए। 18 फरवरी 2019 को मेजर विभूति ढौंडियाल एक आर्मी ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। पति की शहादत के बाद निकिता ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना में जाने का मन बनाया। दिसंबर 2019 में उन्होंने इलाहाबाद में विमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी जिसमें वो पास हो गई थी। निकिता को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब वो बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक रूप से सेना में शामिल हो गई है। निकिता की पोस्टिंग आर्मी ऑर्डिनेंस कोर भटिंडा में होगी। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल शादी के महज 10 महीने बाद ही शहीद हो गए थे। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तस्वीर 2 साल पहले की जब निकिता ने अपने पति को आखिरी विदाई दी थी और एक तस्वीर वो है जिसमें खुद वो आर्मी अफसर बन चुकी हैं और उसी वर्दी में नजर आ रही हैं। अर्चना, ये वही स्टार्स हैं जो कि इस समय नितिका कौल, लेफ्टिनेंट नितिका कौल के कंधे पे लगे हैं जो कि मेजर विभूति के थे। दरअसल जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ 18 तारीख को, जब पुलवामा अटैक के बाद जब पिंगलान में एनकाउंटर चल रहा था और गाजी को मार गिराया था भारतीय सेना ने, उस दौरान मेजर विभूति शहीद हुए थे। तब से लेकर अभी तक ये पूरी जर्नी बहुत चुनौतीपूर्ण रही और अब जाकर वो समय आया जब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से लेफ्टिनेंट नितिका कौल से बदलकर अब लेफ्टिनेंट नितिका कौल के तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा बनी है। ये जैसमी कंपनी जो कि जैगुआर कहा जाता है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में उनका हिस्सा थी और अब भटिंडा में इनकी पोस्टिंग होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे परिवार के साथ आज ये सभी के लिए बेहद इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल डे है, जब नितिका कौल, जिसने बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में हर परिस्थिति का सामना किया और अब जाकर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर वो यहाँ पर शामिल हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष प्रसाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।